फाइनली दोस्तों एडवांस सर्वर ओपन हो चुका है और एडवांस सर्वर के ऊपर आप लोगों को कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, जहां पे दोस्तों आप लोगों को एक मैसेज शो किया जा रहा है जहां पे सबसे पहले आप लोगों को सॉरी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है और उसके बाद एक मैसेज है द फ्री फायर एडवांस सर्वर इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस रीजन, मतलब इंडियन सर्वर के लिए अभी एडवांस सर्वर अवेलेबल नहीं है। तो किस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को दूर करने वाले और कैसे आप लोग एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन करेंगे और कब आप लोगों को OB45 अपडेट का एडवांस सर्वर APK मिलने वाला है, सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले अगर आप लोग एडवांस सर्वर को अभी तक ओपन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपको क्रोम के ऊपर जाना है और वहां पे आप लोगों को सर्च करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर, ठीक है। और अगर आप लोगों को वहां पे वो वेबसाइट नहीं मिलती तो मैं आप लोगों को ऊपर लिंक देता हूं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इस लिंक पे आप लोगों को जाना है ff.advance.ff.garena.com से आप लोगों को ये लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जैसे आप लोग करके क्लिक करोगे तो सीधा आप लोगों का एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। पर इसको आप लोग कैसे फिक्स करने वाले हो इस मैसेज को, ठीक है। तो भाई देखो फाइनली हमारा OB45 का एडवांस सर्वर आ चुका है। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है सीधा VPN पे। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी VPN डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ पावर VPN का यूज करना, ये काफी ज्यादा सिक्योर है और काफी ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं। तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इंडोनेशिया सर्वर को सिलेक्ट कर लेना या फिर ब्राजील को कर सकते हो या फिर सिंगापुर को भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सिंगापुर सर्वर, क्योंकि सिंगापुर सर्वर थोड़ा सा स्मूथ चलता है मेरे हिसाब से बाकी सर्वर के मुकाबले। तो हमें यहाँ पे इसे कर लेते हैं कनेक्ट। तो भाई जैसे ही मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा VPN कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सीधा हमें जाना है हमारे क्रोम के अंदर। तो भाई अभी भी ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करना है और सीधा हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है लॉग इन करने की। फर्स्ट है आप लोग के लिए लॉग इन टू फेसबुक, दूसरा आप लोग के लिए लॉग इन टू गूगल। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग के लिए जो एडवांस सर्वर की ओपनिंग होगी वो आप लोगों के लिए होगी 7 जून के दिन और खत्म होगा आप लोगों के लिए 21 जून के दिन, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे बग हंटर रिवॉर्ड हो गया। अगर इसके ऊपर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग बग फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा लॉग इन टू गूगल ही करना, ठीक है, क्योंकि फेसबुक से आप लोग की आईडी भी होती है और वैसे भी अगर आप लोग VPN लगा करोगे तो फेसबुक आप लोग का कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉग इन टू गूगल करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को आपकी जितनी भी जीमेल आईडी है वो सब देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ पे जो भी जीमेल को सिलेक्ट करोगे वो इंडियन सर्वर की आईडी पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को फिर वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो अभी आप लोग को मेन स्क्रीन पर देखने को मिल रही थी सॉरी फॉर दिस रीजन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कोई ऐसा जीमेल सिलेक्ट करना है जिसकी आईडी दोस्तों आप लोग के लिए बाहर के सर्वर से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरी थाईलैंड सर्वर की आईडी को, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद आप लोगों को एक एक्टिव ईमेल डालना, कोई भी आप लोग ईमेल डाल सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग का एडवांस सर्वर रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिखा हुआ आ चुका है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बस आप लोग को एक बार रिफ्रेश करना है। जैसे आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग का एक्टिवेशन कोड तुम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तुम लोग को बस वेट करना है यहाँ पर 7 जून का। इस एक्टिवेशन कोड को तुम लोग कहीं पर जाके कॉपी करके रख लेना, क्योंकि 7 जून के दिन जब दोस्तों एडवांस सर्वर का APK आएगा तो उस टाइम दोस्तों आप लोग उसी के अंदर इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। या फिर दोस्तों आप लोगों को मैं 4 या फिर 5 जून के दिन दे दूंगा एडवांस सर्वर का APK, उसके लिए तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके कर लेना भाई ज्वाइन, ठीक है। होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों का एडवांस सर्वर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया, किस तरीके से आप लोगों को वो प्रॉब्लम फिक्स करनी है, कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप लोगों को कोड मिलेगा, कैसे आप लोगों को डाउनलोड APK मिलेगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो तुम लोग मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कॉमेंट को जरूर पिक करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जरूर दूर करूंगा, ठीक है। तो होप आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना। तो दोस्तों अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।